हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लेट अस बी प्रोफेशनल। आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं भारत के हम सभी के राष्ट्रगान की और उसके व्याख्या की। लेकिन राष्ट्रगान के एक्सप्लेनेशन से पहले कुछ पॉइंट्स मैं क्लियर करना चाहूँगा, जैसे कि राष्ट्रगान किसने लिखा और भी कुछ पॉइंट्स हैं जिसको मैं रखना चाहूँगा, आप सभी को बताना चाहूँगा। राष्ट्रगान भारत के नोबल प्राइज विजेता श्री रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा हुआ था। लेकिन अलग से राष्ट्रगान, सिर्फ राष्ट्रगान नहीं लिखा गया था। 1911 में श्री रविंद्रनाथ जी ने एक कविता लिखी थी जिसमें कुल मिलाकर के 5 पद थे, जिसका पहला पद फर्स्ट एंड फर्स्ट जो पहला पद था उसी को राष्ट्रगान के तौर पे माना गया, वहां से अडॉप्ट किया गया राष्ट्रगान के तौर पे। एंड अगला पॉइंट है, पहली बार राष्ट्रगान जो है कलकत्ता के एक कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया था। क्वेश्चन पूछा जाता है पहली बार राष्ट्रगान कब गाया गया था, तो पहली बार राष्ट्रगान जो है कांग्रेस के एक अधिवेशन में, जो कि कलकत्ता जो है वहां पर गाया गया था। हमारा अगला पॉइंट है, भारत का जो राष्ट्रगान है उसे भारतीय संविधान में भारत सरकार के द्वारा 24 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया, यानी कि स्वीकारा गया भारत के राष्ट्रगान के तौर पर। राष्ट्रगान की कुल अवधि 52 सेकेंड है। अगर हम इसे गाते भी हैं तो 52 सेकेंड में यह पूरा हो जाता है। और सबसे बड़ी बात, जो 5 पद थे उसमें से पहला पद राष्ट्रगान के तौर पे स्वीकारा गया, उस पहले पद यानी कि हमारे राष्ट्रगान में भारत के भौगोलिक बनावट यानी पूरे भारत को मिला करके इसकी व्याख्या की गई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि श्री रविंद्रनाथ जी ने, जो कि मैंने पहले ही बताया था कि नोबल पुरस्कार विजेता हैं, नोबल पुरस्कार इनको मिल चुका है साहित्य के क्षेत्र में, तो इन्होंने इस राष्ट्रगान में भगवान की उपासना की थी। और कैसे की थी, अब उसको वन बाय वन हम एक्सप्लेनेशन की तरफ आइए चलते हैं। तो लेकिन उससे पहले एक ही चीज़, एक ही रिक्वेस्ट, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, और दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा जिससे उन तक भी ये जानकारी पहुंच सके। तो आइए बढ़ते हैं अपने एक्सप्लेनेशन की तरफ। गैस, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन बिना स्किप किए एक एक वर्ड को ध्यान से देखिएगा। मुझे उम्मीद है कि मैं इस चीज़ को आपको अच्छे से समझा पाऊँगा, जो मैं बताना चाह रहा हूँ कि आई होप आप सबको मैं बता पाऊँगा। तो जैसे राष्ट्रगान में जो पहली लाइन दी गई है, जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। अब अगर जनगण मीन्स होता है लोग या लोगों का समूह, मन यानी उनके मस्तिष्क यानी दिमाग को, अधिनायक, अधिनायक मीन्स होता है ऐसे नेता या उनको पूरी तरह से अपने अकॉर्डिंग चलाने वाला। जैसे मैंने पहले बताया था कि प्रेमचंद टैगोर जी ने इसमें भगवान की उपासना की थी, यानी अधिनायक का मतलब यहाँ पे उस जिसे हम परमपिता भी कह सकते हैं उससे है। तो जनगण मन अधिनायक जय है, यानी और भारत भाग्य विधाता, यानी भारत यानी अपना देश भारत, भाग्य यानी उसकी भाग्य के, विधाता यानी लेख रचयिता या उसको बनाने वाले, यानी अब उन्होंने इसमें इसकी मीनिंग क्या निकल के आ रही, हे भारत के लोगों और उनके मन के नायक यानी उनके मन को बनाने वाले, आप हमारे संपूर्ण भारत के भाग्य के विधाता हैं। हे भारत के लोगों और उनके मन के नायक, नायक यानी कहा गया है उन परमपिता को, भगवान को, कि हे भारत के लोगों और उनके मन के नायक, आप संपूर्ण भारत के भाग्य के विधाता हैं। अब अगली लाइन और भी इम्पॉर्टेंट है, जिसमें कई सारे राज्यों को, कई सारे भारत के अलग अलग राज्यों को, यानी पूरा का पूरा भारत इसमें मिला दिया गया। जैसे इसमें बताया गया पंजाब, सिंधु, अब मैं एक एक वर्ड की थोड़ी सी मीनिंग बताता हूँ। इससे पहला वर्ड है पंजाब, तो पंजाब आप लोग जानते ही हो,
पंजाब, उसके बाद सिंधु। और सिंधु क्या है, पंजाब के बगल का हिस्सा था जो कि अब इस समय पाकिस्तान का हिस्सा बन चुका है। तो जो सिंध था उसको सिंधु बना दिया गया, वो इस समय अब जो पाकिस्तान का हिस्सा था तो उसको बदल करके जो सिंध था उसको सिंधु बना दिया, जो कि एक नदी है भारत की। तो पंजाब, सिंधु, गुजरात और मराठा। गुजरात का मतलब गुजरात ही है, जो कि एक राज्य है, आपको भी पता है, पश्चिमी क्षेत्र में पड़ता है भारत के। और उसके बाद मराठा, मराठा यानी महाराष्ट्र, यानी पंजाब हो गया, सिंध हो गया, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, ये पूर्वी और पश्चिमी हो गए। और उसके बाद बता रहा है द्रविड़। अब द्रविड़ का मतलब यहाँ पे दक्षिण में, द्रविड़ का मतलब दक्षिण में। अब दक्षिण में कौन सा राज्य है, तमिलनाडु और कई सारे राज्य हैं। और उसके बाद है उत्कल। उत्कल का मतलब है यहाँ पे उड़ीसा से। और इसे काफ़ी पहले जो उड़ीसा है उसका नाम कलिंग था, आपने हिस्ट्री वगैरह में इतिहास में पढ़ा होगा, कलिंग राज्य। तो वह पहले जो था कलिंग था, बाद में उड़ीसा दिया गया। उड़ीसा को इन्होंने उत्कल नाम से यहाँ पे प्रोनाउंसिएट किया है, तो उत्कल। और उसके बाद बंग, बंगा यानी बंगाल, पश्चिम बंगाल जो है, जो कि पूर्वी क्षेत्र है भारत का, यानी इसने उत्तर से शुरू किया गया, उत्तर से शुरू करते हुए पश्चिम गया, पश्चिम से दक्षिण, दक्षिण से फिर पूरब की तरफ पहुंच गया, यानी पंजाब हो गया, सिंध हो गया, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, और उसके बाद दक्षिण में उड़ीसा हो गया और बंगाल हो गया। उसके बाद बता रहा है विंध्य, हिमाचल, यमुना, गंगा। विंध्य का मतलब यहाँ पे विंध्याचल की पहाड़ियाँ हैं, और हिमाचल का मतलब हिमालय पर्वत। यमुना गंगा यानी भारत में बहने वाली यमुना और गंगा नदियाँ हैं, जो कि पवित्र नदियाँ मानी जाती हैं। और उच्छल जलधि तरंगा, उच्छल जलधि तरंगा, उच्छल का मतलब उसमें उठती हैं जलध, यानी जल की तरंग, यानी जो लहरें उठ में उठ उठ के चलती हैं, यहाँ पे उसका मतलब दिया गया है। तो इसका मीनिंग जो निकल के आ रहा है, एक्सप्लेनेशन जो निकल के आ रहा है, व्याख्या, कि वह भारत जो उत्तर पश्चिम के राज्य पंजाब और सिंध, और पश्चिम के राज्य गुजरात और महाराष्ट्र, दक्षिण के राज्य तमिलनाडु, दक्षिण पूर्व में उड़ीसा जबकि कलिंग अभी मैंने बताया, और पूर्व में बंगाल राज्य यानी जिसे हम पश्चिम बंगाल कहते हैं, जो कि अब उसमें मिला के कई राज्य बन चुके हैं, यानी पूरा पहले हिस्सा जो था वह बंगाल का हिस्सा था। और उसके बाद विंध्याचल और हिमालय जैसे बड़े पर्वत और गंगा यमुना जैसी बड़ी नदियाँ जिनकी लहरें उच्च श्रृंखलित होकर के बहती हैं। उसके बाद क्या है, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे। ये सब आपका नाम लेकर के उठते हैं और आपके आशीर्वाद की कामना करते हैं। तब शुभ नामे जागे का मतलब, शुभ नामे जागे का मतलब आपसे मंगल कामना करते हैं, आपका नाम लेकर के जागे यानी उठते हैं। तब शुभ, शुभ का मतलब है मंगल, आशीष का मतलब आशीर्वाद या मंगल कामना, मांगे यानी उसकी कामना करते हैं, यानी सब आपका ही नाम लेकर के उठते हैं और आपसे आशीर्वाद की, मंगल अगली लाइन आशीर्वाद की है, कामना करते गाहे हैं। तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय है। यानी गाहे का मतलब यहाँ गाना, तव यानी आपकी या तुम्हारी, जय गाथा यानी विजय गीत, और जनगण, जनगण यानी लोग, मंगलदायक मंगलदायक का मतलब मंगल करने वाले, दायक यानी देता, जो देता है, मंगलदायक यानी शुभ आशीष और मंगल देने वाला, जय है यानी आपकी जय हो, यानी गाहे तव जय गाथा यानी हम सब आपकी ही विजय गाथा को गाएंगे। और जनगण मंगलदायक जय है का मतलब हम सभी लोगों का मंगल करने वाले हैं, आपकी जय हो। इसके बाद वाली जो लाइन है वो है भारत भाग्य विधाता, जय है, जय है, जय है, और जय 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 है। यानी भारत भाग्य विधाता, भारत यानी अपना देश भारत, भाग्य यानी उसके भाग्य के, विधाता, विधाता यानी सब कुछ देने वाला या भगवान, उसके रचयिता, कर्णधार, यानी आप हमारे देश भारत के भाग्य के विधाता हैं, यानी आप ही हमारे देश भारत के भाग्य के विधाता हैं। आपकी जय हो, जय हो, जय हो, आपकी हमेशा ही जय हो। और इसी के साथ राष्ट्रगान पूरा होता है। आई होप मैं आप सभी को जो चीज़ें समझाना चाह रहा था समझा पाया हूँ। तो इस राष्ट्रगान में पूरे भारत के भौगोलिक, जो हमारे जितने भी
मेन मेन राज्य हैं उनको भी इंक्लूड किया गया। इस 52 सेकंड के राष्ट्रगान में पूरब से लेकर के पश्चिम तक, उत्तर से लेकर के दक्षिण तक, जहाँ पूरब में पश्चिम बंगाल तो वहीं पश्चिम में महाराष्ट्र और गुजरात, और उत्तर में जहाँ हिमालय और पंजाब जैसे राज्य हैं, और वहीं दक्षिण में तमिलनाडु और दक्षिण पूर्व में कलिंग जैसे राज्य को भी इसमें मिलाया गया। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद। वंदे मातरम। भारत माता की जय।